मियाँ बीवी के जो इख्तलाफ़ होता है, मियाँ बीवी के जो झगड़े होते हैं, उसका एक अहम सबब है मिजाज को ना समझना। आज बहुत सारे मुआशरे ऐसे, बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ मियाँ बीवी एक दूसरे का मिजाज नहीं समझते हैं, या मिजाज अगर समझते हैं तो उसका ख्याल नहीं रखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इंसान को चाहिए कि अपनी बीवी के मिजाज को समझे, बीवी को चाहिए कि अपने शौहर के मिजाज को समझे, ताकि लड़ाई और झगड़े और इख्तलाफ से दूर हो। आज इंसानों का मिजाज अलग अलग होता है। लोग ये सोचते हैं कि हमारा जैसा मिजाज है वही दूसरों का मिजाज है। नहीं, हर इंसान का मिजाज अलग होता है, हर इंसान की तबीयत अलग होती है। अब यहाँ पर मिजाज को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के मिजाज को समझते थे, अपनी बीवियों के मिजाज और तबीयत से वाकिफ थे। सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं, क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी लअअलमु इज़ा कुन्ति अन्नी राज़ियतन व इज़ा कुन्ति अलैया ग़ज़बा। قالت قلت يا رسول الله من اين تعرف ذلك قال اما اذا كنت عني راضيه فانك تقولين لا ورب محمد واما اذا كنت علي غضب فانك تقولين لا ورب ابراهيم قالت قلت اجل والله يا رسول الله ما اهجر الا اسمك। اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا कि ऐ आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, मैं जान जाता हूँ, मैं समझ जाता हूँ कि कब तुम मुझसे नाराज़ होती हो, कब तुम मुझसे खुश होती हो। तुम्हारी नाराज़गी तुम्हारी खुशी को मैं भांप लेता हूँ, मैं परख लेता हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा कहती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन ऐन तारीफ़ ज़ालिक, आपको कैसे मालूम हो जाता है कि मैं कब गुस्सा होती हूँ, कब आपसे नाराज़ होती हूँ और कब खुश होती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कहती हो ला व रब्बी मोहम्मद, यानी कसम खाते वक्त मेरा नाम लेती हो, कहती हो ला व रब्बी मोहम्मद, नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम। लेकिन जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो क्या बोलती हो, ला व रब्बी इब्राहिम, नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब की कसम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं अजल वल्लाह या रसूल अल्लाह मा अहजरु इल्ला इस्मक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बजा फरमाया, आपने सच फरमाया, उस वक्त मैं कसम खाते वक्त आपका नाम छोड़ देती हूँ। तो देखिए ये इख्तलाफ का अदब सीखिए कि इख्तलाफ इस कदर ज़्यादा नहीं हुआ है, बस लफ्ज़ के वजह से, एक लफ्ज़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तलाफ को और नाराज़गी को भांप जाते हैं। तो मालूम ये हुआ कि ख़ानदान में, घरों में लड़ाई झगड़ा हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इंसान अपनी बीवी के मिजाज को समझे, बीवी अपने शौहर के मिजाज को समझे और उसका ख्याल रखे, उस मिजाज का ख्याल रखे। कोई ये चाहे कि मेरी बीवी 100% हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलेगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई बीवी ये चाहे कि 100% मेरा शौहर मेरी तबीयत और मिजाज के मुआफिक मिले, ऐसा नहीं हो सकता। इंसान है, इंसान के अंदर खामियां पाई जाती हैं, एक दूसरे के मिजाज एक जैसे तो नहीं होते।